ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर सेफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का व्लॉग गाइस, आई होप आपको अंधेरा आ रहा रहेगा। सो आज का व्लॉग मैं जा रहा हूँ लूनावाला एंड वहाँ पे जाके अब इसने आईफोन ले लिया, अब इसको सिद्धू की गरज नहीं। हाँ, और मैंने ना एक चीज बता रहा आपको, मैंने फोन लिया जो है अब इस पे डेली डेली अपडेट्स आते रहेंगे एंड ये सुबह सुबह का व्यू है इसका, जो मंदिर पे सुना है वो बता। अरे आके मेरे को क्या बोलता है मालूम, मैं फोन छूने का ना कितनी चार्जिंग है तो बोलता है मत छू, समझा ये भी रामा का, मतलब मेरे पास जाता जा बोलता मेरा नहीं रामा का, मैं भी बोला। सो गाइस यहां से भी हम लोग जा रहे हैं लोनावाला, अभी निकल गए सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड जो भी करेंगे वहां पे एंजॉयमेंट सब दिखाएंगे, तो बारिश का टाइम है, काफी एंजॉयमेंट होने वाला है। सो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा, व्लॉग एंड तक देखना, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड डेली डेली अपडेट्स आ रहे सो आप लोग का भी हक बनता है कि सब्सक्राइब कर देना, ये पूछता कि नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आपको अपडेट्स नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इवन कमेंट करके जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा, मैं सर को पूछूंगा एक बार जुड़े रहो चैनल से। चलो यहाँ से चलते हैं एंड देखते क्या होता है क्या नहीं। हम लोग अभी निकल गए, अभी अंदर भी हम लोग के साथ ही दारा दे, ये दारा दे, ये दारा दे एंड से हाय, ये इधर है, ये इधर ड्राइवर एंड इधर रोड रिपर। सो यहाँ से अभी हम लोग लोनावाला निकल गए एंड अभी हम लोग अंदर है बस, अभी देखो यहाँ से कहाँ जाने का। हम लोग को जाने का था 6 बजे बट हम लोग को लेट हो गया थोड़ा, तो अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं एंड जाते हैं जो जो रहेगा सब मैं दिखा कैमरा में जाइड को देख लेते। लोनावाला का ट्रेन से 70 रुपया होता है ना, एक और लोग कार में यहाँ से ट्रेन का 70 रुपया होता है ना, 75 रुपीज होता है। सो अगर किसी को ट्रेन से भी जाना है तो हम लोग ट्रेन से नहीं जा रहे, हम लोग कार से जा रहे क्योंकि सब दोस्त लोग बोले कार से चलते हैं, जिनके पास कार भी थी तो मालूम है जैसे आपको। सो आज का प्लान बना अचानक से बना, सो अभी यहाँ से चलते हैं लोनावाला, वहाँ पे बहुत सारी जगह जाना है, विजिट करना है, सब लोग एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सो वहाँ पे फर्स्ट टाइम है मेरा लोनावाला में, इससे पहले मैं नहीं गया हूँ, गया तो पुणे गया और रास्ते में पड़ा लोनावाला देखा हूँ, तो चलते एंड देखते क्या है क्या नहीं है वहाँ पे, जो भी चीज़ रहेगी मैं सब दिखाऊंगा वीडियो में क्योंकि अब तो फोन भी आ गया मेरा एंड ऐसी सब करो और अच्छा अच्छा फोन लेंगे इसकी जल्दी मेरे फोन से। सो जो भी रहेगा जिससे बार बार बोल रहा हूँ, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, मैं डेली डेली कंटेंट डाल रहा हूँ, डेली डेली अपडेट्स डाल रहा हूँ, डेली ब्लॉग आ भी रहे मेरे चैनल पे, तो आप लोग का भी हक बनता है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। डिवाइन में सांता क्रूज में रहता है या अंधेरी में रहता है डिवाइन? गाइस ये गाना बताओ कैसा है, क्योंकि जो बजा रहे ना इतना बड़ा पुड़ी है ना यार, मेरे को कैसी आ रही है ये गाना, ये ढंग का बजाते है ये गाने का रिव्यू जोशी से लो, ये गाना कैसा है? अरे दोनों पुड़ी है लोग, दोनों गाना इतना अच्छा है ना क्या ही बोलूं भाई, इन लोग दोनों सोशल मीडिया पे इतना नहीं है जितना मैं, तो इन लोगों को मालूम नहीं क्या ट्रेंड करते हैं, इतना अच्छा गाना है जो ट्रेंड चलता है श्रद्धा कपूर है उसमें अच्छा गाना है वो, लेकिन इन लोग नहीं समझते, इन लोग को बजाना चाहिए। छपरी गाना कौन सुनता है आजकल यार गाइस, क्या गाइस जो टिकटॉक पे चलता है छपरी है, हां छपरी है, तेरी क्रश कौन है, तेरी क्रश कौन है? जैकलीन, वही तो सोशल मीडिया पे छपरी हुई, छपरी हुई क्या बोलो क्या बोला जा रहा है क्या बोलना है जो कुछ बोल दो ट्रेन का अंदर की बात बताओ, अगर तो ब्लॉग देख रहा है श्रेयसी बोला वरुण को मत लो, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है।
तो गाइस यार अभी हम लोग एंजॉयमेंट करते करते चलते हैं। बस एक गाना ना इतना गंदा बजा रहा है ना यार, लिटरली मेरे को नींद आ रही है यार। कॉलेज के इधर से ले रहे हैं, एकदम बेकार चीज बजा रहा है। और बारिश का मजा देखो, हम लोग ने एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख के लिटरली यही सोच के बारिश हो रही है। इतना एंजॉयमेंट होने वाला है इतना, मैं सब चीज कैप्चर करूंगा मेरे से जितना होगा। अब तो फोन में आ गया, कुछ गलत नहीं, हर एक क्लिप क्लिप छोटे छोटे क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा। बट बारिश का देख सकते हो व्यू यार, कुछ भी यार, बहुत बहुत मजेदार व्यू और बहुत ज्यादा मजा आ रही है। देखते चलो आगे, उसको भी अक्कल आ गई कि कौन सा गाना बजाना चाहिए कौन सा नहीं बजाना चाहिए। तो उसने पहला प्यार बजाया है, ये सब सॉन्ग सुनने लायक है कबीर सिंह वाले पिक्चर के सब। लेकिन ये बूढ़े लोग अभी लगो क्या मालूम, लेकिन बाद में उसको अक्कल आई, चलो आई अभी सब गाएंगे। मिलना भी जरूरी मैंने मिटा दी ये जो तेरी मेरी दूरी। आज का आउटफिट आपको मैं बाहर में बता रहे हैं, अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार देख सकते हैं गाड़ी में पेट्रोल भरा रही, लोनावाला जाना है तो सेठ मानुष जाके खड़ा है, यहाँ से पेट्रोल भी भराना है। पेट्रोल अभी यहाँ पे बीकेसी पे आया, बीकेसी का बैंडरा का जो आपको मालूम है जियो वर्ल्ड सेंटर, यहाँ का जो डेवलप हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो अभी वही रोड से हम लोग को जाने का है, जो भी रहेगा मैं एक बार दिखा दूंगा आपको जो भी वहाँ पे अपडेट हो। सो चलो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने सुबह का और बारिश का हम ट्राई भी करना चाहे तो वहाँ पे जाना नहीं चाहते क्योंकि वो है को शर्म आ जाएगी। सही में देखो कितना बड़ रहा है एमिटी यूनिवर्सिटी, इतना मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है उसका प्लेसमेंट तेरे पे कैमरे दिखा दे, मतलब ये रहता है। अभी हम लोग ने ऐसे तुरंत डिसाइड कर लिया हम लोग कौन से वाटरफॉल जा रहे हैं, अब तक डिसाइड है। आप सामने वेदर देख सकते हो कितना प्यारा हो गया,
थोड़ी देर पहले बहुत धूप थी पर अभी जो अपने को वेदर चाहिए ना सेम टू सेम वेदर और इसी वेदर के साथ हम लोग लाइक चाहते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद एक टनल आएगा जो है सबसे पहला टनल और जो है भटान टनल ये आता है सबसे पहला टनल जब अपन मुंबई से लोनावला के लिए जाते हैं। तो आपको मैं डायरेक्टली अभी टनल दिखाता हूँ कि कैसा है लाइक उसका रहता है। ये श्रेयस है मराठी में कुछ कैमरा ही ले रहा है। और ये टनल आई गेस 600 या 700 या 1 किलोमीटर का है टोटल। ये पूरा बड़ा टनल है और लाइक आप देख सकते हो माउंटेन के नीचे स्थित है ये वाला टनल और काफी प्यारा दिख रहा है। ऐसा नहीं कि लाइक एकदम ये पूरा एकदम मुंबई ये लोनावला मुंबई वाला हाईवे लाइट मेरे इधर दिखा मेरे इधर दिखा लाइट ऑन कर रहा हूं तो गाइस मेरे इधर दिखा बाकी और ये देख सकते हैं मेरे इधर दिखा ना मैं व्लॉग बना रहा हूं छोटी छोटी क्लिप मिस कर रहा हूँ बट हर क्लिप में नहीं डाल सकता क्योंकि एंजॉयमेंट करना मैं भी भूल जाता हूँ कुछ कुछ चीज़ एंड अभी यहाँ से लोनावाला थोड़ी दूर होगा 30 किलोमीटर होगा मुश्किल से तो पहले देखते कुछ खाने के लिए भूख लग रही है ओके सो चलो खाने का देखते खाने के बारे में आपको दिखा लिटरली मौसम बदलता जा रहा है एंजॉयमेंट बढ़ता जा रहा है डूड हम लोग पहुंच गए लोनावला नहीं पहुंचे बट जैसा बोला था भूख लगी कहीं उतरेंगे एंड हम लोग यहाँ नकली जगह रुका है वहाँ पीछे रुकना पीछे उतरेंगे अब पीछे जाना पड़ेगा अपने को ब्रो अब एक पार्किंग नहीं तो क्या करेगा तो गाइस आज हम लोग अभी लोनावाला के लिए निकल रहे हैं एंड एक सेकंड मेरा कैमरा खराब हो गया ओके सो अब क्लियर आया गाइस तो यहां से हम लोग खाने का लोनावाला है ना खाने के लिए निकल गए सो ब्रो चलो चलते हैं यहाँ पे लोनावाला से पहले यहाँ पे खाने पीने का शॉप है जो टोल नाका के बाद लिटरली 2-4 मिनट बाद ही है यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू था यहाँ पे हम लोग ने पार्क की गाड़ी तो अभी चलो चलते यहाँ से भीम भीम ये जगह कहाँ पे पट्टा भूल गया रे मैं ये जगह लोनावाला ये हाँ खाने की जगह है ये क्या डोसा वगैरह मिलेगा मिसल पाव अरे पागल है क्या तुझे मिसल पाव का क्या रूप है क्या सुबह सुबह क्या लोनावला यानी कि लोनावला के लिए जाने वाला जो ऑन द वे है ना घाट से पहले जो मेन घाट अभी अपना जो आएगा ना उसके पहले रहता है टोलना का जैसे क्रॉस करते हैं तो खाने का रहता है सबको भूख लगी थी तो हम लोग ने सोच लिया कि यहाँ पे रुक लेते तो अभी खाने के लिए भिखारी तो देखो भिखारी 2 रुपया गिरा हुआ मिला उठा लिया ले लिया अंदर भीड़ भी बहुत है नहीं रे उधर ही जाना चाहिए मैं बोला चलना चल निकल के ये जगह से यहाँ जा रहे एडजस्टेबल जगह हाँ वहाँ थोड़ा हम लोग को अच्छा नहीं लगा इसके लिए हम लोग बोले मैकडोनल्ड सामने अरे आगे रे इधर भी तो गाइस यहाँ पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप के पीछे देख सकते हैं खाने का कैसा लग रहा है ब्रो अच्छा लग रहा है अरे यहाँ का व्यू बता कैसा है अभी देखते मींस खाने का यहाँ पे मिलता है भूख तो इतनी लगी है ना देखो भी लगी ना ब्रो बहुत लगी है ब्रो भूख हम लोग को इतनी लगी है ना हम लोग बैठ नहीं सकते थे और हम लोग को तो चलो जो ड्राइवर है
वो कहीं से बैठा रहेगा आई डोंट नो। पिकअप आगे से पिकअप मेरे को लेने का नो, पूरे कार में बाजू बैठ के बात नहीं की, उधर कितने को बुला बुला ले। तो तुम लोग तो ना कान में बैठे थे इतनी बात नहीं की, अभी क्यों कर रहे। तो गाइस अभी चलते देखते क्या खाने वाले क्या नहीं। यहाँ का थोड़ा अच्छा लग रहा है इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, तो जो भी रहेगा जैसा जैसा हमें अपडेट देता रहा, छोटी छोटी क्लिप भी बोला। तो चलो एंजॉय। हाँ क्या ही ओ पूड़ी ए सीधा क्या लिखा रहे ओ पूड़ी।